गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और दूसरा निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। तो चार्ट को देखने से पता चलता है कि हमें निफ्टी थोड़ा स्ट्रोंग था कल के दिन और बैंक निफ्टी में वीकनेस नज़र आ रही थी। तो देखिए, कल अगर पोजिशन बनी है तो बैंक निफ्टी में तो किस साइड की बनी है, पुट साइड की बनी है, और निफ्टी के अंदर क्या बनी है, कॉल साइड की बनी है, ऐसा हम सोच कर चल रहे हैं अभी के लिए। दूसरा देख लेते हैं, मान लीजिए ये हो जाता है गैप अप ओपन, दिखा भी रहा है कि गैप अप ओपन हो मार्केट में। मान लीजिए ये गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ कॉल वालों के पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे नहीं, ऐसा तो नहीं बनेगा पैसा, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो गया था, प्रीमियम डीके हो जाएगा उनका। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होते ही पैसा बन जाएगा उनको। अब अराउंड 50 से 70 पॉइंट चाहिए गैप अप ओपन होने के बाद, फिर पैसा बनेगा कॉल वालों का, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करने वाले हैं कि निफ्टी को आज के लिए हम छोड़ देते हैं, निफ्टी में हम ट्रेड नहीं करने वाले, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखिए इसमें पुट साइड की पोजीशन बनी है ज़्यादा से ज़्यादा, कॉल वालों की कम ही मिलेगी। अगर कॉल वालों की है यहाँ पे पोजीशन तो वो क्या करेंगे, जो भी मार्केट को चलाने वाले हैं वो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट थोड़ा सा ग्रीन कैंडल को ले जाएंगे। ग्रीन कैंडल ले जाने के बाद पुट की सारी कॉल कट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एक बैक साइड मोमेंटम हो जाएगा, रेड कैंडल आ जाएगी। रेड कैंडल आने के बाद जो ये कॉल में बैठे हैं ना, यहाँ पे कोई है अगर मार्केट को देखिए काफी ऊपर जाना है तो ये काम होने वाला है, अगर मार्केट को ऐसे ही वोलाटाइल रहना तो ये नहीं होने वाला, तो हमारा प्लान कुछ अलग होगा, फिर देखना पड़ेगा मार्केट कैसा मोमेंटम करिए। लेकिन अगर मार्केट को अच्छा ट्रेंड करना है तो क्या करेगा मार्केट, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा सोच आइए ऐसी नहीं है कि मार्केट ऐसा ही करने वाला है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करेगा मार्केट। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए ये गैप ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये पुट वाले निकल जाएंगे, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाएगा और जो रेड कैंडल है उसका लोग को क्लियर करते जाएगी और उसके काफ़ी नीचे आ जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा, कॉल वाले भी निकल जाएंगे। तो उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं हमारी प्लानिंग, लेकिन मैं जो प्रीफरेंस दे रहा हूँ वो कॉल साइड की पोजीशन को दे रहा हूँ, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाने वाले हैं और बैंक निफ्टी वीक नज़र आ रहा है, और अगर ये थोड़ा सा भी गैप अप मिल जाता है मुझे बैंक निफ्टी के अंदर तो मैं श्योर हो जाऊँगा कि यहाँ पे हमें एक ट्रेंड मिल सकता है बैंक साइड का। ट्रेंड मिले ना मिले लेकिन मैं बैंक साइड के लिए प्रीफरेंस रखूंगा। तो अभी हम मार्केट को ओपन होने देते हैं, देखते हैं कहाँ ओपन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएंगे। और देखिए कॉल साइड की पोजीशन मैं शायद आपको समझा पाया हूँ, लेकिन अभी भी नहीं समझा पाया हूँ, तो मैं जब चार्ट मोमेंटम करेगा तब मैं आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम किस तरह पोजीशन बनाएंगे। लेकिन प्रीफरेंस मेरी, अगर गैप डाउन ओपन ना हुआ ना, फिर मैं कॉल साइड की ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, फिर थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि कॉल साइड की मिल जाए मुझे कहीं ना कहीं। तो देखते हैं कैसा, देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है तो अब ये क्या क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो गया अब ये, तो ये इसमें दो चॉइस है कि पुट वाले तो यहाँ निकल जाएंगे, अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पे होल्ड करने लग गया ना तो उसके सभी के एसएल खाने लग जाएगा, धीरे धीरे वो निकलने लग जाएंगे डर के कारण। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे दो सिचुएशन और है, यहाँ पे देखिए ये आपको नजर आ रहा है ना, अगर इसका क्रॉस करती कुछ कॉल की साइड की पोजीशन ने भी बननी शुरू हो सकती है, ऐसा है मुझे लगता है कि अगर ये हाई क्लियर होता है तो यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बननी शुरू हो जाएगी, तो उनका भी हमें देखना होगा, एसएल वगैरह हिट हो जाए उसके बाद ही पोजीशन बनाए, तो सभी को देखना होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ट चलेंगे और कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे कॉल साइड की पोजीशन बनाए। निफ्टी में भी अच्छा गैप अप ओपन हो रहा है तो देखिए कहाँ से शार्प सेलिंग आ सकती है या नहीं आ सकती, या देखना होगा कैसे काम करेंगे आज के दिन, तो वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और हमें ग्रे रेड कैंडल नज़र आ रही है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए अच्छी रेड कैंडल नज़र आ रही है, तो अब हम पोजीशन बना लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको आने देते हैं, डाउन साइड फॉलिंग करने देते हैं, फिर हम पोजीशन बनाएंगे, कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा और भी डाउन मिल जाए यहाँ पे, तो फिर दोबारा से पोजीशन बनी, यहीं कहीं पोजीशन बनानी होगी हमें। चलिए पोजीशन बना लेते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, आने देते हैं इसको सेलिंग को, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आएगा ना कल के लो के पास आएगा तो फिर से बाइंग साइड की पोजीशन बनेगी, तो वो भी प्रॉब्लम करने वाली हमें। 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, देखिए केवल ये है कि एक बार लो के पास पोजीशन बनी है, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा हमें, देखते हैं।
निफ्टी का भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा और आना था इसको। रुक जाइए, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ा सा और टाइम देते हैं इसको। रुक जाइए थोड़ा सा और। चलिए ये टाइम लेगा थोड़ा सा, मैं फिर से आपको आता हूँ बताता हूँ। वैसे यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे एक बार के लिए हम इसको, या तो ये नीचे की तरफ निकलेगा थोड़ा सा तब हम कोल साइड की पोजीशन बनाएंगे, या अब हम बनाएंगे 38,458 के आसपास। 38,458 के आसपास नहीं बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे फिर। हाँ यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कहीं दोबारा से कोल साइड की पोजीशन बनेगी, उनका अगर स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आएगा तो भी हम सेफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर हम वहाँ बनाएंगे 38,450 49 के आसपास बनाएंगे, देखते हैं वहाँ पे कुछ मिलती है पोजीशन ऐसी देखने को, फिर हम बनाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा। तो देखिए मार्केट अपने हाई पॉइंट के पास आया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं, उसके बाद हम बताएंगे अपने हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई है। तो पहले हम उठा लेते हैं पोजीशन को, बैंक निफ्टी में केवल ट्रेड करेंगे हम। तो हमने कॉल साइड की पोजीशन बना ली है, अब देख लेते हैं हमने कॉल साइड की पोजीशन क्यों बनाई है। देखिए जो मैं आपको कह रहा था कि जब यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनी है, उनको तो निकाल दिया गैप अप ओपन होने के बाद, जो कॉल वालों को पैसा बन रहा था उनको, अगर ये थोड़ा सा ये आ गया, अगर कॉल वालों को पैसा बन रहा था, ये जब रेड कैंडल आई तब देखिए उनका प्रीमियम तो वैसे ही डिके हो जाता है, और जब ये रेड कैंडल आ जाती है तब वो काफ़ी डर जाते हैं और फिर से निकलने की कोशिश करते हैं और अपनी पोजीशन को काट देते हैं, तो उनका वो भी निकल गए। पुट वालों को क्यों निकाल दिया, क्योंकि गैप अप अच्छा हो गया था, मैं सोच रहा था यहीं के ओपन हो जाए, लेकिन ये अच्छा गैप अप ओपन होने के कारण पुट वाले भी निकल गए इजी, उनको भी हमें दिक्कत हुई नहीं। तो इसीलिए देखिए फिर हमने यहाँ पे कॉल साइड के लिए, मैंने आपको काफ़ी अपसाइड कहा था कि यहाँ कहीं पोजीशन बने, लेकिन मैंने यहीं क्यों पोजीशन बना ली, लेकिन क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कि अभी भी उनमें माइंड में स्ट्रेंथ आई नहीं है सभी के, कि यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल जब नज़र आती है तो यहाँ कहीं अभी भी स्ट्रेंथ है नहीं मार्केट के, जो थिंकिंग करने वाले हैं वो अभी सोचेंगे नहीं कि यहाँ यहीं पे कॉल साइड की अपसाइड मोमेंटम होने के बाद ही पोजिशन बना ले, और दूसरा ये रिजेक्शन टाइप का भी देख के वो पोजिशन नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हमने जल्दी पोजिशन बना ली, ताकि अगर ये एसएल वगैरह खाने को आए तो हम फिर भी थोड़ा सा सेफ रहें थोड़े समय के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड की पोजिशन बनाई है। और निफ्टी देखिए ये भी अच्छा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो कॉल साइड के बैठे थे उनको ज्यादा मिला नहीं, यहाँ पे अराउंड यहाँ पे कितना हुआ, 40 to 50 पॉइंट गैप अप मिला उनको, और इतना मिला भी नहीं हुआ, 309 पे कल बंद हुआ था निफ्टी और आज ये 350 पे ओपन हुआ है, तो इतना मिला भी नहीं उनका, इतना तो प्रीमियम डीके हो जाता है आराम से, 24 तो टाइम डीके होगा उनका। तो फिर क्या कि जब ये रेड कैंडल आती है ना, तब कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी वीक हैंड है तो वो निकल जाते हैं, और निफ्टी अभी भी दे नहीं रहा है, ब्रेकआउट दे नहीं रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें कॉल साइड की पोजीशन ही नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ जल्दबाजी से कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या होता है। करंट की बात करें तो हमें 3,000 4,000 के अराउंड हमारा प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं हो सकता है हमें भी लॉस हो जाए, लेकिन निफ्टी देखिए निफ्टी डाउन साइड चल रहा है, बैंक निफ्टी अपसाइड चल रहा है, क्यों चल रहा है, देखिए यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनी नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी वीक नजर आ रहा था और निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा था, यहाँ पे जब तक वो कॉल वाले निकल नहीं जाएंगे, उनका प्रीमियम काफी लो नहीं हो जाए तब तक ये चलेगी नहीं मार्केट, और बैंक निफ्टी चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन काफी कम थी, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें 34 36 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है, तो देखिए निफ्टी में एक अच्छी सेलिंग आई हुई है और दूसरा बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी सेलिंग आई हुई है। तो देखिए जब हमने यहाँ पे जल्दबाजी में पोजीशन बनाई थी तो आपको लगा होगा कि हमने पोजीशन लेने के लिए पोजीशन बना ली, क्योंकि हमें चाहिए थी कॉल साइड की पोजीशन बनाने और जल्दबाजी में पोजीशन बना ली, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। देखिए जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ हम पोजीशन बनाएंगे, लेकिन जब मुझे ये ध्यान आया कि जब ये रेड कैंडल ऐसी बनी हुई है तो यहाँ पे ऐसे तो बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाई जाएगी, थोड़ा सा वेट किया जाए फिर पोजीशन बनाई जाएगी, तो इसलिए हमने यहीं पोजीशन बना ली। अगर पोजीशन यहाँ बनाएं तो फिर यहीं बना लें, अगर इनको डर लग रहा है तो पहले पोजीशन बनाएंगे, डर के साथ ही तो पैसा मिलेगा हमें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पोजीशन बना ली। अब ये हो रहा है पूरा का पूरा बैक साइड मोमेंटम, तो इससे हमें फायदा क्या मिल रहा है कि जब ये बैक साइड मोमेंटम हो रहा है, अदरवाइज हम यहाँ पोजीशन बनाते तो ये देख नहीं पाते हम,
इसको हम पोजीशन से निकलना पड़ता फिर हमें, लेकिन अब हम आराम से देख सकते हैं, हो सकता है रिवर्सल आए या ना आए, लेकिन हम अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है मार्केट में, अभी तो होल्ड करें पोजीशन को। और करंट की बात करें तो 30,000 के अराउंड ही हमारा लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, देखते हैं होल्ड करते हैं। तो अगर हम करंट की बात करें तो हमारा जो लॉस है 21-22 के अराउंड ही चल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए निफ्टी के अंदर देखिए कितना अच्छा शार्प सेलिंग आया हुआ है और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ये एक्चुअल में क्यों कर रहा है, देखिए रीज़न यही था कि इसमें पोजिशन ही नहीं बनी हुई थी, कॉल साइड की इसमें पोजीशन ही नहीं थी, और जो बनी हुई थी उनको भी निकाल दिया, जब ये रेड कैंडल आई तब उनको भी निकाल दिया। जब निफ्टी के अंदर काफ़ी कॉल की साइड की पोजीशन थी उनको देखिए कैसे मार्केट ने मार लगाई है, अच्छा अच्छी खासी उनको सेलिंग दिखाई गई और उनको सभी को लॉस करवा दिया गया, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। ऐसी क्या स्ट्रेंथ आ गई दूसरे दिन इसके अंदर, पहले दिन ये वीक नज़र आ रहा है, दूसरे दिन ये इतना स्ट्रोंग नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी। तो ये केवल और केवल मार्केट का जो होता है ना, ये रूल है, ये रूल मान लीजिए इसको तो आप, कि जो दिखता है वो होना ही नहीं, मार्केट में जो दिखता है वो तो होना ही नहीं। तो ऐसे ही हमने थिंकिंग करके हमने पोजीशन बनाई थी, हो सकता है इसमें लॉस हो जाए, लेकिन अभी तो हम पोजीशन में राइट ही बैठे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा मोमेंटम होने के बावजूद निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी अपने आप को अपने सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है। बात यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की नहीं हो रही, आप सोच रहे हो ये सपोर्ट के कारण हम बैठे हुए पोजिशन में, ऐसा नहीं है, हम केवल और केवल साइकोलॉजी के कारण बैठे हुए मार्केट में। एक तो हमारे आप जो पोजीशन है ऑलरेडी हमारे फेवर में चल रहा है, तो निकलने का कोई रीज़न ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा देखिए बैंक निफ्टी के अंदर इतना नेगेटिव मोमेंटम आने के कारण बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अभी भी चांसेस है कि मार्केट हमारे फेवर में मूवमेंट करे। हो सकता है हमारे ऑप्शन जो प्रीमियम डीके के कारण हो सकता है हमें लॉस बुक करना पड़ सकता है, अदरवाइज हम इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। टाइम लग सकता है, अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया, हमने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी 9:25-26 के पास, और ये देखिए 10:50 हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी तो हम होल्ड करेंगे, टाइम की दिक्कत नहीं है, बात है मोमेंटम की, मोमेंटम कब आएगा और कैसा आएगा। तो यहाँ पर जो अपना लॉस है वो 4,000 के अराउंड नज़र आ रहा है हमें, और निफ्टी में भी देखिए एक अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी एक अच्छे मोमेंटम के पास आया हुआ है, जो अभी अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी साइड का मोमेंटम कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, देखिए जब हम पुट साइड की पोजीशन बनाते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, जो डाउन जो मार्केट में जो ऑलरेडी गिरावट में नज़र आ रहा है उसमें हम पोजीशन नहीं बनाते, जो हमें स्ट्रोंग नज़र आ रहा है उसमें पोजीशन बनाते, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर पाएं। ऐसी हमारी सिचुएशन रहती है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे पोजीशन नहीं मिली, कहीं किसी कारण से आपने यहाँ पे पोजीशन नहीं मिली, तो अब क्या करोगे, बैंक निफ्टी में आके यहाँ पे शॉर्ट की पोजिशन बनाने शुरू कर दोगे। तो अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पे पोजिशन बन जाती है, तो 38,500 के बाद हमें क्या है एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो देखेंगे, अभी तो मार्केट में कुछ हुआ नहीं है, कुछ ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में, और जो हमें देखिए पोजीशन से तो ऊपर ही हमारा ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या कि प्रीमियम डीके के कारण हमें क्या है लॉस नजर आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी तो हम होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को। तो यहाँ पर जो अपना प्रॉफिट है वो 50,000 के अराउंड चल रहा है, तो पहले हम पोजीशन को निकाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में वेट करते हुए। तो हमने टोटल आज प्रॉफिट बुक किया 50,000। तो अब आपको मैं पोजीशन के लिए ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, तो देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। तो हमने काफ़ी होल्ड किया, यहाँ कहीं हमने पोजीशन बनाई थी और यहाँ जाके इसको निकाला है। और देखिए केवल पॉइंट मत देखिए, यहाँ पे अपना टाइम भी देखिए कि हमने कितना टाइम के लिए यहाँ पे वेट किया है, और अब देखिए ऐसा मोमेंटम आया हुआ है कि हमें एक अच्छा तेज़ी का मोमेंटम कैप्चर करने को मिल गया। तो इसके कारण क्या कि हमें प्रॉफिट बन गया, अगर अदरवाइज ये अगर ये स्लो स्लो जाता तो हमें इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। तो देखिए काफ़ी लर्निंग मिला हुआ, और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं ज़्यादा उसमें बोलूँगा नहीं अब कुछ। वैसे मैंने आपको काफ़ी बताया भी है कि कैसे मार्केट ने आज मोमेंटम किया, कैसे कैसे हमने पोजीशन बनाई, और पहले हमने कैसे डिसाइड किया कि हमने आज कॉल की ही पोजीशन में बैठना है। तो आज का जो नेट प्रॉफिट रहेगा हमारा 50,000 रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।